नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में कि ये ड्रग्स क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दोस्तों, अगर इस वर्ड को आप ब्रेक करोगे यहाँ से तो पैरासिम्पैथो और मेमेटिक्स, मेमेटिक का मतलब होता है कॉपी करना या उसके जैसे करना। तो ये जो ड्रग्स होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं और उसे एक्टिवेट करती हैं, उसकी एक्टिविटी को इनक्रीज़ करती हैं। और ये दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक तो डायरेक्टली एक्टिंग और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग। नेम सजेस्ट, जो ये नाम है वो सजेस्ट करता है कि ये डायरेक्टली एक्टिंग है। डायरेक्टली एक्टिंग कैसे करती हैं, ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। ये जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। इसमें आती है मेथेकोलिन, कार्बेकोल, बेदेनोकोल, पिलोकार्बिन। और इनडायरेक्टली जो एक्टिंग ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली के ऑपोजिट काम करती हैं। ऑपोजिट कैसे करती हैं, इनडायरेक्टली ड्रग्स जो होती हैं वो रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करती हैं। जिस तरीके से ये ड्रग्स रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ये ड्रग्स रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करती हैं। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो होती हैं रिसेप्टर्स पे एक्ट ना करके ये एक्ट करती हैं एक एंजाइम पर जिसका नाम होता है कोलिनेस्ट्रेज। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। और इसमें ये ड्रग्स आती हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में। हमने पहले ही जान लिया है कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, और इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं वो रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं करती हैं, रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करती हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। और ये इनहिबिट करती हैं एक एंजाइम को, एक स्पेशल एंजाइम को जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। जी हाँ, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज ये एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को, ACH को इनहिबिट करता है। जो ये एंजाइम है वो ACH को इनहिबिट करता है। तो इस एंजाइम को ये जो ड्रग्स होती हैं वो इनहिबिट कर देती हैं और एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं इनडायरेक्टली। सो इनडायरेक्टली ये एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। और जो ये एसिटाइल कोलिन होता है ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो इसलिए इन ड्रग्स को हम एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस भी बोलते हैं, क्योंकि एंटी मींस इसके अगेंस्ट काम करना। किसके अगेंस्ट काम करना, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के अगेंस्ट काम करना। तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होती हैं वो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के अगेंस्ट काम करती हैं, इसलिए इन्हें एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस ड्रग्स भी बोला जाता है। अब ये दो तरीके होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो है दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब हम इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में क्या फ़र्क होता है। डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं, ये जो ड्रग्स आप देख रहे हैं ये होती है डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ये ड्रग्स डायरेक्टली बाइंड कर रही हैं इन रिसेप्टर्स के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर रही हैं और इनको एक्टिवेट कर रही हैं। ये डायरेक्टली एक्ट कर रही हैं। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का कोई रोल नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिटाइल कोलिन यहीं पर ही है, उसका कोई रोल नहीं है। ये प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं और ये पोस्ट सिनेप्टिक एरिया है। और अब अगर बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के बारे में, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो होती हैं वो यहाँ पे देखिए आप बाइंड कर रही हैं ACHE एंटी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के ऊपर बाइंड कर रही हैं और इसको रोक रही हैं एसिटाइल कोलिन के डाइजेशन में, ये आप देख रहे हैं। और एसिटाइल कोलिन का जो बाइंडिंग यहाँ पे है उसको इंक्रीज कर रही है। तो इसलिए इनडायरेक्टली एक्टिंग है, क्योंकि ये डायरेक्टली ये बाइंड नहीं कर रही हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसलिए इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जो इनके टाइप होते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल ड्रग्स होती हैं इसमें होता है, सबके
पीछे माइंड लगा रहता है, आप देख रहे हैं। तो ये जो ड्रग्स होती हैं फिजोस्टैग्मिन, नियोस्टैग्मिन, पैराडोस्टैग्मिन, एड्रोफोनियम, टेकेरिन, डोनापेजिल, गैलेंटामाइन एंड रिवास्टैग्मिन। सो ये ड्रग्स जो होती हैं वो इनिबिट करती हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को, और ये रिवर्सिबली बाइंड होती हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये इस एंजाइम पे बाइंड होंगी और कुछ ही टाइम के बाद में वो उससे हट भी जाएंगी। तो रिवर्सिबली बाइंड होती है मतलब कि बाइंड होंगी और उससे हट जाएंगी। इरिवर्सिबल जो एंटीकोलिनेस्टरेज होते हैं वो बाइंड होने के बाद में उनसे हटते नहीं हैं, और वो जब तक कि नया एंजाइम नहीं बन जाता तब तक उसके ऊपर ही बाइंड रहती हैं। तो इसलिए इनको इरिवर्सिबल बोलते हैं। और इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। सो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में अपने आता है मेलाथियोन, पैराथियोन, इकोथियोफेट, क्लोरफायरीफॉस, और नर्व गैसेस लाइक टैब्यून, सेरेन, सोमेन एंड डीफ्लॉस। और कार्बामेट्स में आता है कार्बेराइल, प्रोपॉक्सर। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।